जय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, महाप्रभु सिंह द्वार अरुण स्तंभ निकट रु पतित पावन सामन बड़ दांड रु संध्या समय रे जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम रे सीधा प्रसारण रे निरवच्छिन्न भाव रे बिना विज्ञापन विरती रे भक्त अनुभूति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, संध्या समय मासांत पुणी वर्षांत आउ एई रातिक परे उत्कलर नववर्ष महावीर हनुमान आविर्भाव दिवस आउ विलंब करिवानी आम गहनर अछंती भक्त स्वागत करिवा कौन रही अनुभूति जाणी नवा। जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत कह अर्चना दास मु ब्रह्मपुर आसी मोर अनुभूति अच्छी अनुभूति अनुभव रु तो अनुभूति हुए अनुभव मोर आज पर्यंत रही आसी कि अनुभूतिटा कह कह भाभी किंतु अनुभूति हठात मोर उद्रेक है मनरे बर्षे होगा मोर हजबैंड को हार्ट आटाक है 2023 मार्च 31 तारीख दिन जो हार्ट है से अफिश्रे अच्छी मुझे गोटे सरकार कर्मचारी मो ऑफिसर व्यस्त अच्छी हठात शुणा को पाइले सी मेडिकल को जा ट्रीटमेंट अच्छा हठात शुणी मुझे गली डॉक्टर कहले बर्तमान आपत भुवनेश्वर हठात जातु कार करी आठात आम गलु जागे सांगे दुटा स्टंट पड़ा से 31 तारीख दिन भगवान को मुझे कदिएट खाली कही हे प्रभु जो संसार गढ़ाप तुम्हें निजे दे संसार को प्रकार शेष जीवन पर्यटन मुझे कौन करी मत आ किसी मु स्थिर कर पारिनी हठात जोबले स्टंट पड़ी फेरिले से दुई दिन बाकी अच्छा अपोलो तृतीय दिन डॉक्टर कहले नाई नाई आप आराम से जातु रेस्ट निबूक कि ना कमन आउ मेडिसिन ट्रीटमेंट बर्तमान सी भल सांगे भी आसी बहुत थर मु अनुभूति देखे किंतु मुझे कहबी केमी कह ब्रह्मपुर आसबी के गोटे कर्मचारी मत छुट्टी भी मिले आउ गोटे सेक्शन अफिसर सब दायित्व भी अच्छी आमती आसवि हूँ जदि तर तुम दया अच्छी तो मुझे आसीपरि आउ दया ना ये सब भाविक मुझे नीरव हो रुहे हठात मो नीरवटा भांगिक केमी आज मुझे 3:30 मुझे जगन्नाथ को दर्शन करी पुणी प्रथम अनुभूतिटा आपण उपस्थापन करी मुझे जगन्नाथ पाखे बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची ता सत सत्ते आमर नमिता अग्रवाल मैडम को जा हो महाप्रभु दयारु आपण विराट बड़ विपत्ति उद्धार पाई अगणित तो जगन्नाथ प्रेमी मानक आपण कौन बार्ता देवा समस्त को बार्ता देवी गोटे बार्ता समस्ते जगन्नाथ को हृदय सहकारे डाकंतु निजे अनुभव ही आसिले ही अनुभूतिटा कहवाक आसी पारे यह ही मोर समस्त पाखे कामना जय जगन्नाथ। हाँ हाँ सर सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जन भक्त आम गहन रे जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत कौन रही अनुभूति आसन जानवा जय जगन्नाथ माँ टी सीधा जाए मो ना तृप्तिकलिका दास मु भुवनेश्वर आसी मोर मोर अनुभूति है मोर बहर 95 रे मु 96 रे मोर पुओ है पुओ को मुझे धरिकी आसी पूरी सेत पर्यंत मुझे जगन्नाथ को दर्शन ही करी आउ बाबू सब कहते जगन्नाथ बड़ बड़ आखि तू चल देखू आते सुंदर देखा को आ मो पु टिकेट होता 3 मस धरिकी आसती आसला बाटर समस्ते कहले टी टिकी छुआ केमी आनीचु माकड़ टेकी नब मालो माकड़ टेकी नब मत डर माड़ू थाए मो शाशु मो सांगे था बहुत कष्ट प्रभु को दर्शन कली शाशुं पाखे देक दर्शन कर सारापर मुझे तापर दिन थी कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा जेहेतु बहुत लोग आसुले मोर कि भी अनुभूति ना अभिज्ञता कि ना यू सिंहद्वार मो पु को चपीदे समस्ते समस्ते कहले छुआटी चपीगला कौन करूँ छुआटी की आने को हाँ से सुहार भाई मैंने अभड़ा नहीं कि जाऊे से पछिरे मो हाँ से पछिरे मो पु को पुरेदे पुरे से सिंहद्वार पार करदे से फोन रखिली प्रभु मुझे तो पाक आसी नी कि तोर लीला खेला कि जान नी मो पु को मो पु 12 वर्ष पर्यंत जगन्नाथ को दर्शन कर पार ना जब से बाहर ठिया हुए भितर को छाड़ती बहुत रीति नियम थी आगु आई जापारे एवं मो पु को धरिकी भी आसी बाबू भी सांगे आसी
मुझे बड़े चाहे प्रभु को दर्शन करने मु आसी पारे एवं मो बाबूंकर भी बहुत ये भगवान या पूर्व आपण केबे आसीथिले या पूर्व मो बेढ़ा परिक्रमा करिक मध्ये आसीथिले आ पूर्व किंतु केते मास दि तीन मास तळे आज्ञा वर्षो केतर आसंती वर्षो निहाती 4-5 थर मासे वर्षो को निहाती 4-5 थर आपण आसंती ए जो 4-5 थर वर्षो को आसंती केबे थारु मोर जेबे थर मो भगवान को दर्शन करली फर्स्ट टाइम 95 थारु 95 थारु आपण वर्षो को 4-5 थर आसुचंती भगवान को दर्शन ही करी देखी नी भगवान केमती देखा सी कि कहती बड़ बड़ आखि तू देखू सी जहाँ चाहबू आखि को अनैले तो आखिर लुह बाहर देखू जानू भगवान तो पाखे अच्छा मु समस्त को बार्ता दूसरी समस्ते भगवान को विश्वास करूँ सी आम जगतर ठाकुर जगन्नाथ ताकि सब आप दुख कहतु सी निश्चय आपण कथा शुणे समस्त को भल रखे सर्वे भवंतु सुखीन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कष्टी दुख भावे जय जगन्नाथ टी देखती आप सब देखे मो माँ बर्तन भी टी पाखे बसी थे सी सब सी टीर पर्दा में सब आलती सबकि जगन्नाथ को छुई छुई सी जुहार हूँ कारण सी 90 वर्ष होगा सब कैंसर पेसेंट 90 सी कैंसर पेसेंट सी आसी पार ना गोड़ हाथ ये तेणुक बर्तन मुझे घर छाड़ी आसी माँ तु चेयर बसी था प्रभु को देखुता टी खोल सी देखु थी जुहार हो निश्चय निश्चित भाव में माँ आपण को जय जगन्नाथ आपण जदि आसी पार ना तथापि महाप्रभु को घरे बसिक प्रत्येक नीतिकांति आप दर्शन करुँच बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आज जन भक्त आम गहन में जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत मैं माँ जय नाम सारिका त्रिपाठी सविता त्रिपाठी सरिता सारिका त्रिपाठी सारिका हाँ बढ़िया अच्छा नाम है सारिका कहाँ से जी मैं कानपुर से हूँ कल मेरे पति का आपके चैनल पे इंटरव्यू हुआ था वैद्य डॉक्टर कमल त्रिपाठी जी उनकी मैं पत्नी हूँ और बड़ी ईश्वर की कृपा है जो इस धाम हम बार बार आ रहे हैं हम 2-4 साल पहले भी आए थे आज फिर आए हैं ईश्वर की कृपा से धन्य है जय जगन्नाथ मैम कल या परसों शायद उनसे अनुभूति बातचीत हुई थी ना उस दिन शायद आप भी यहाँ पर खड़े थे लेकिन आपके भी मन नहीं हुआ कि मैं भी थोड़ा जाके कुछ अनुभूति कहूँ नहीं है अपने आप से करने का मन नहीं होता ये तो ईश्वर की कृपा है जब उनकी मर्जी होती है तब वो उन्हीं को चुनते हैं उन्हीं को बुलाते हैं आज कितने बार सुबह दर्शन हो गया था या अभी दर्शन किए नहीं हम सुबह नहीं हर दिन एक बार में दर्शन कर रहे हैं हम 4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं 4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं और डेली दर्शन कर रहे हैं आज के दर्शन हुई है नहीं अभी जा रहे हैं अभी दर्शन करने ही जा रहे हैं कल के दर्शन कैसे रहा बहुत सुंदर दर्शन बहुत अच्छा दर्शन कोई पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्म है जो ईश्वर अपने धाम में बुला के रोके हुए हैं इतनी अच्छी फैमिली दी हमारे पति इतने अच्छे धार्मिक विचार के हैं जो हमें सारी यात्रा करा रहे हैं चारों धाम करवा चुके हैं इसके लिए ईश्वर की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद उनका यानी कि डॉक्टर साहब के डॉक्टर नहीं साहेबा हाँ तो एक चीज़ आप बताइए सर तो उस दिन बता दिए थे कि मैं कैसे कैसे आ रहा हूँ और किसे सुना आपको पहले किसी ने बताया था आप पहली बार आए नहीं हमारे घर में ईश्वर की कृपा से ऐसा धार्मिक माहौल है कि जन्म से ही हमारे माता पिता पूर्वज दादा दादी नाना नानी सब लोग ईश्वर से इतने जुड़े हुए हैं कि बिना पूजा की भक्ति के कुछ असंभव ही है तो सब हमें पहले से ही पता था तो ये जो चारों धाम की मन में विचार हैं ये लोग सोचते हैं कि हम बुढ़ापे पे करेंगे लेकिन हम लोगों ने जिस धाम में जाते हैं यही मांगते हैं कि ईश्वर अपने धाम हमें अभी से बुलाओ बार बार बुलाओ अपने चारों धाम भी गए हुए जगदीश धाम भी आए हुए यानी कि 4 धाम बद्रीनाथ रामनाथ द्वारिकानाथ जगन्नाथ और धार्मिक विचार की भावधारा में हो आप इसमें कभी भगवान को महसूस किए हैं आपने हर दिन हर क्षण महसूस करते हैं एक अभी का रिसेंट एग्जांपल देते हैं कल मेरी बेटी यहाँ मेरे पति के साथ यहाँ से जा रही थी दर्शन करने के बाद तो उसका मोबाइल रास्ते में गिर गया और 1 घंटे बाद उसको याद आया कि कहाँ है तो मुझे यही लगा अब ईश्वर जाने जो प्रभु पे छोड़ दिया जो मर्जी हो और हमें यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी हम कॉल कर रहे थे वो जिसको मोबाइल मिला वो उठा नहीं रहा था फिर मेरे पति ने आपकी टीवी के चैनल वाला जो इंटरव्यू था वो डाला
उस लैंग्वेज को पढ़ के उन्होंने कॉल किया, आप आइए अपना मोबाइल ले जाइए। भगवान के धाम में अगर ना मिलता तो हम यहीं पे, समझ में नहीं आया क्या हमारे YouTube में आपने वो डाल दिए थी कि मेरा मोबाइल खो गया था? नहीं नहीं, आपके YouTube के चैनल पे जो मेरे पति ने इंटरव्यू दिया था वो उस मोबाइल पे डाला मैसेज, उसी में डाल दिए। अरे तो बड़ा मिराकल है, फिर कैसे क्या हुआ बताइए? कल की घटना है। इसको उस इंसान ने वो जब देखा यूट्यूब पे तो वो लैंग्वेज की समस्या थी, इसलिए वो हमारी लैंग्वेज ना जानता होगा, आपकी लैंग्वेज जान के उसने हमारा कॉल उठाया और बोला आपका मोबाइल हम गुंडीचा मंदिर के पास लेके खड़े हैं, आप ले जाइए आके। रात के 12 एक के बीच में हम दोनों लोग आए और वो अपना मोबाइल लेके गए। ये प्रभु का चमत्कार है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दे दिए थे? नहीं, हमने कहीं कुछ नहीं दिया, हमने पूरा। कितने टाइम के अंदर मोबाइल मिला? 1.5 घंटे बाद। और पुलिस स्टेशन में नहीं, सबसे बड़े भगवान के धाम में ही दे दिया था। जो आपकी मर्जी हो प्रभु वो करो। नहीं, कभी कभार ऐसे होता है कोई हमारे कीमती चीज खो जाए तो उसके लिए, हमारे बचाव के लिए कहीं ना कहीं एफआईआर देना पड़ता है। चलो कोई हाँ कोई बात नहीं है, 1.5 घंटे की बात है और जैसे भी मिला महाप्रभु जी ने दे दिए। और आपने भी सही बात बताई कि सबसे बड़ी जो इंक्वायरी वाले तो वही बैठे, और आपके भावना को मानना पड़ेगा, दाद देने पड़ेंगे कि इतने आपने उच्चे भावना है और उसकी वजह से ही महाप्रभु शायद आपके जो सामान है, देखे ये 4-5 दिन से मेरे दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ से फिर कानपुर जाएंगे, किसी लोगों को जानकार लोगों को बताया कि हमारे मोबाइल खो गया, तो ये महाप्रभु ने सोचे कि मेरे लिए बड़ा समस्या होगा। तो चलो इससे है? हमारे घर में हर दिन पूजा पाठ आरती, इतने सालों से गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है, जगन्नाथ जी से जुड़े हुए हैं हम लोग, कि उनकी पूजा के बिना दिन शुरुआत ही नहीं होती है। उनकी पूजा के बिना शुरुआत भी नहीं होती है। और सर भी बता रहे थे कि हम जगन्नाथ जय जगन्नाथ टीवी भी देख रहे हैं, आप कभी देखते हैं? हाँ कभी कभी देखते हैं जरूर। आप अभी हाउसवाइफ है, आप भी कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, मैं इनकी हेल्प करती हूँ और हाउसवाइफ हूँ अभी। हेल्प करते हो ना? हाँ। यानी कि डॉक्टर साहब को हेल्प करते तो मैंने पहले ही नाम बता दिया, डॉक्टर नी साहेबा हेल्प करते। बट वास्तविक आयुर्वेदिक ऐसा चीज है, इसमें तो चाहिए कोई जानकार, मैंने तजुर्बा वाले चाहिए, और सर जी ने आपको बता दिया। जितने आपके जानकार है जगन्नाथ प्रेमी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम हर किसी से बस यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमको एक उद्देश्य के साथ जीवन दे के यहाँ धरती पे भेजा है, आप अपना जीवन जीए और ईश्वर को, अपने माता पिता को थैंक्स कहिए कि इतना खूबसूरत जीवन दिया, इतनी अनमोल चीज़ें दी हैं भगवान ने, तो उनको थैंक्स कहते हुए पूजा करते हुए उनके धाम के लिए ज़रूर तीर्थ यात्रा करो, पूजा पाठ करो, उनको हर बात के लिए ईश्वर को याद करो, अपना जीवन धन्य करो। जाते जाते आपको तो वही एक चीज़ वैसे ही कहना चाहूँगा, अपना जितने सारे सामान है थोड़ा सावधान, यहाँ तो चलो जगदीश जी ने कहीं ना कहीं ढूंढ के दे दिया, फिर कहीं ऐसे कुछ खो ना जाए, थोड़ा सावधान रहेंगे। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। स्वागत करीवा आउ जने भक्त आम गहण रे, जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत। आसंत बाबा, आसंत महाप्रभु मंगल करो। ना कहे शाश्वत विश्वास, मु भुवनेश्वर आ भुवनेश्वर लोक भयस कौन जा लिंगराज क्षेत्र हाउ ना कौन कहले शाश्वत विश्वास। शाश्वत विश्वास वाह, कौन अनुभूति अच्छे सर? अनुभूति अनुभूति सर अनुभूति पूर्व वर्ष रथयात्रा मु आसी, मु कॉलेज रु क्लास सारिकी 5टा बेले बाहरली, कॉलेज रु क्लास सारी 5टा बेले बाहरली, तो मु 6:15-20 आड़ पहुँचली ब्रह्मगिरी लाइन पटु, गोटे एमती डाउन अच्छी गोटे से हीपटे गाड़ी पूरे देखिए भितर पशिगली, कौ साहि पशिली एक्जाक्टली जाननी, तो सही कौन गाड़ी रखी कौटी मुझे जाननी, जड़े मऊसा देखा कहले कि आ कहली मऊसा टे गाड़ी रखी आप घर पाखे मुझे जी दर्शन करने लेट है, मऊसा कहे हाँ रखीद तुम्हें रखीद हेलमेटा मत दीदी तुम जाओ, तो मुझे गाड़ीटा से रखीदी घर पाखे रखिक हेलमेट तादी मुझे मैंने फ्लो रे पलि आई क्या मत अलरेडी रथ पलिवे मोर आईडिया आसला मुझे सेमती भिड़ देखिक से फ्लो रे जल्दी पड़ी मुझ बाट अलमोस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्रस कर सारे कि बाट देखी आसली तार बिल्कुल ध्यान ना मुझे भूली जाइए, तो मुझे जितने मैंने पाखापाखी है नरेन्द्र पोखरी पाखापाखी है बोली कौन बाट कौ बाट देखिए आसे भगवान मुझे जापारे मुझे पुणी रिटर्न केमी करी, तो मुझे भगवान को जगन्नाथ को पूरा मन रु स्मरण कली से सांगे सांगे माइंड में सर सतरे कौच रिकल है कि सही गोटे बानंबर बाबा मठ गोटे अच्छी तापर से गोटे मीठा दुकान अच्छी गोटे ट्यूबवेल अच्छी से गली कंदी सब जगह माइंड रे आप रिकल होगा, तो सहीटा तो होगा फास्ट फेज होगा,
ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ବଡ଼ଦଣ୍ଡି ଛକରେ ଆସିକି ୱେଟ୍ କଲି ରଥ ସେ ବଡ଼ଦଣ୍ଡି ଛକ ପୁରୀରେ ତ କୋଉଠି ନାହିଁ ନା ପୁରୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ତମେ ତମ ଘର କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ତମେ ନୁହଁ କୋଉଠି ତମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଝାରପଡ଼ା ଏ ଜେଲ୍ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ କେତେ ବଡ଼ ଜେଲ୍ ଭାଇ ସେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ପୁଣି ଝାରପଡ଼ା ଆଉ ବଡ଼ଦଣ୍ଡି କହୁଛ ଆଉ ଏଇଟା ବଳଗଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡି ଅର ହେଇଥିଲା ବଳଗଣ୍ଡି ପୁରା ପୁରୀର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ବଳଗଣ୍ଡି ତା ନାଁ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ହଉ କୁହ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ପାଖରେ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଆସୁଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ମନରୁ ଆସିଲା କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଯେଉଁ ରଥ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟେ ପକାନ୍ତିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳା ଇଏ ପକାଉଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତିନି ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ରଥ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏମିତି ସେ ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିଲେ କହିଲେ ନବୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ ପକାଇଲେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେଇଁକି ଧରିଲି ମୋ ହାତରେ ହିଁ ସେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା ଏତିକି ଖାଣ୍ଡ ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଥ ଗଲାବେଳେ କେବେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ପକାଇବେନି କି ତାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କଥା କହିବେନି ସିଧା କଥା ନଡ଼ିଆ ପକାଉ ପକାଉ ଅବଶ୍ୟ ତ କହିଦେଲେ ଅଲଗା କଥା ଭାବର କଥା କାରଣ ଉପରକୁ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ସେଠି ଯିଏ ଥିବେ ତଳୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ସିଏ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦୁଇରେ ଉପରୁ ପକାଇଲେ ଯିଏ ମାଗୁଥିବ ଯେ ତା ହାତରେ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ତ ଭାଇ ଯୁବକ ଲୋକ ଆଉ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ କ୍ୟାଚ୍ କଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୋଲିଂ କର ନା ବ୍ୟାଟିଂ କର ସାର୍ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଦୁଇଟା କର ଫିଲ୍ଡିଂ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ ଯାହା ବି ହଉ କେମିତି କ୍ୟାଚ୍ କରି ଧରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହିବି ମୋର ଅନୁଭୂତି ସାର୍ ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରର୍ ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ ଲେକ୍ଚରର୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଇ କଲେଜରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁନଥିଲା ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ 2-3 ମାସ ହେଲା ପୁରା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିକି କହୁଥାଏ ଭଗବାନ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଦିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ବେଟର୍ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଅ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଏବେଟା କେବେ ଏବେ ଏଇ 7-8 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ 7-8 ଦିନ ତଳେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଜାଗା ସାର୍ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଫାଇନାଲି ଜଏନ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ସାର୍ ଖୁସି କୁନ୍ଥେଇ ଗଲ ତାହେଲେ ପୁରା ଖୁସି ନା ନାହିଁ ସାର୍ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ମୋର ପୋଟେନ୍ସିଆଲଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ସେ ଇଏ କରିନି ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିନି ମୋର ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କା ଭୁଲ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ XYZ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ସରିଯାଇଛି ନା ଯେଉଁଟା ବି ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ 7-8 ଦିନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି ନା ସରିଲି ସରିଛି ସାର୍ ଦର୍ଶନ ସରିଛି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଆଣିକି ଆସିଛି ଘରେ ମମି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେଇଲ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଦୟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜଣେଇଲି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କଲି ଦେଖିକି କାନ୍ଦିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଲୁହ ବୋଇଲା ବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି ଓଦା ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଡେରିରେ ଲୁହ ଆସିଲା ନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସିଗଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସିଗଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁବେଳେ ଭାବରେ ସାର୍ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏନି ଟାଇମ୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବା କାମ କିଛି ନ ମିଳେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ସମୟ ଆସିବ ଭଲ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ ଦେବେ କି ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ଏଜ୍ର ଯେଉଁମାନେ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି କି ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ପଛରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ହେବା କାହିଁକିନା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହାପିନେସ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାପିନେସ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆଉ କେଉଁଠି ହାପିନେସ୍ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହାପିନେସ୍ ସବୁ ବେକାର ସବୁ ମିଛ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆମକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାପିନେସ୍ ମିଳିବ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ ଏକା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ମିଛ ସତ କଥା ଭଲ କଥା ଟିକିଏ ସାର୍ କହିଦେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ନିହାତି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ମମି ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ସକାଳେ 5:30 ଲାଗିବ 5:30-10 ଲାଗିବ ପୁଣି 10:00 ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆମର 12:00 ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବୁ 12:00-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଟିକେ ଟିଭି ବନ୍ଦ ହେବ ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏନି ଟାଇମ୍ ଚାଲୁଥିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ଗହଣରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆସମା ଆସମା ନା କାବ୍ୟଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ବଟ୍ ମୁଁ ପୁନେରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ପୁନେରେ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ମା ଟିକେ ବୁଲିଗଲ ହଁ ବାସ୍ କ'ଣ ନା କ'ଣ କାବ୍ୟଶ୍ରୀ
ना काव्यश्री आम घर बाल साउंड टा होची सबडे गाना बाजुची तो महाप्रभु का भजन संगीत बाजुची सब ने कोन ना उठि रे पड़ बेटे काव्यश्री काव्यश्री बढ़िया ना टी काव्यश्री अच्छा मां काव्यश्री सीधा पुनेरु पुरी आज्ञा ना मु एक्चुअली पुणे रे चाकरी करे मु सब वर्ष ओडिसा आसले प्रथमे भुवनेश्वर तापरे पुरी तापरे बालेश्वर पुरी सब वर्ष भगवान को दयारु मु आसे भुवनेश्वर रे लैंड करिवे तापरे आसी कि पुरी महाप्रभु दर्शन करिवे दर्शन करि सल्ला पुरी रु बालेश्वर को जिवे एमदि केते दिन हलाणी बा केते वर्ष हलाणी 2020 मसियारु एमते आज्ञा माने दीर्घ 4 वर्ष हला कंटिन्यू एमदि चली छि बहुत माने लकी लोक ताले अच्छा मा कोन अनुभूति अछि अनुभूति तो मोर बहुत अच्छी तथापि मु गोटे दुटा अनुभूति कहबी जे मु प्रथम हाँ मु प्रथम ओके मु एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर करतुली 2017 मसिया फेब्रुवारी मासरु भुवनेश्वर रे रहिकी तो मु एग्जाम दिए जेहेतु जनरल कास्ट पिला पॉइंट पॉइंट रे कटी जाए सब बेले बैंक एग्जाम दूतली तो पॉइंट पॉइंट रे कटी जाए एमती 17-18 पूरा कटिली 19 मसिया अगस्ट मास मोर हला प्रीलिम तो मुझे मेन एग्जाम भी देली तापर आउ गोटे सेटा सरला जुलाई मास अगस्ट मस गोटे प्रिलिम दबा को जाती तो आसला बेलू मोर गोटे एक्सीडेंट हो मो अनकॉन्शियस होगली तापर लोक मैंने मत उठे हॉस्पिटल नहीं थे कौन करते मुझे जाननी किसी मुझे एग्जाम दबा को जाती मैं से मन अच्छी तापर हॉस्पिटल 4 दिन आउ सेन्स आसलानी अनकॉन्शियस रही मो भौणी डाक्टर को पचारे आउ एग्जाम अच्छी केतेबेले भल हब ये तो कहला बेल को एत भाव जहाँ आखि छल छल हो आखिर आपे आपे लुह आसी जाऊ मन पड़गले वास्तविक जो मैंने अंतर सहित महाप्रभु को भल पाती इमें बेले बेले हुए बा क्रुद्ध हो जाए माँ एथर कहीपर लालुह तो पोछ सारे कि निश्चित भाव से समय जो भाव से भावधारा ही निरा कहतु माँ डाक्टर कहला कि से बंचु परीक्षा तो बहुत बड़ कथा दूर कथा बंचले दब तर 5-6 दिन पर मो सेन्स आसला कमारु आने मोर कि सेन्स फेरला पूरा ब्लांक माने जो कंपिटिशन पढ़ुली कटुली से गुट कि ना मो माइंड पूरा खोल मुझे भी जाननी मो हॉस्पिटल सुई पूरा माने जमती मोर कि ना माने मो पूरा जहाँ कहते नॉर्मल मुंडरे कि ना नबाणिया करूटा स्टैच्यू हाँ मैं देखु था डॉक्टर आसी कहते डॉक्टर आसवे सका गुड मॉर्निंग आउ हाउ आर यू मु खाली हसु थाए ओके मु भी जानी जे मु हसु थाए ओके कहू थाए हाँ मु किछि जानी पारे बस डॉक्टर 3-4 थर आईसीयू रे थिली समस्त सहित कथा भी होती बट मुझे जानी मुझे कौन कथ हुए से नर्स समस्त हसी पचार हुए ये मोर मन अच्छे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू मुझे सब बड़े हसी कहे हाँ बस ये मत निद लगू थाए सब हाई डोज मेडिसिन दे था जेहेतु अनकॉन्शियस मुझे खाली हाँ कहि जो टाइम मिले सुई पड़ी मुझे जान नए भितर गोटे परीक्षार रिजल्ट भी बाहर मो भी मत कहला तोर प्रिलिम है मैंने रिएक्शन ना नॉर्मल आगुरी जमती मुझ प्रिलिम कटिगले मत गोटे गोटे दिन रात निद हुए निद हुए मत एत परिश्रम करी से तो कहला मुझे नॉर्मल से एसबीआई क्लरिकाल मेन्सटा दे जुलाई में मझे हॉस्पिटल 15-20 दिन रहा मत मुझे भाविली मुझे कहली एथर जब एसबीआई न हो मु तो किसी करें मोर से स्ट्रेंथ ही ना कहीं मोर ऑपरेशन भी होता जो नर्व कंप्रेशन सर्जरी तो मुझे तो पूरा भितर मान कि ना मोर तो मुमती थाए तापर हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गली स्टिच बीच भी खुला अपोलो हॉस्पिटल रूम को आसिक जो बही फही खुले मैं टी बही खुल भी शुई पड़ी से कंपिटेटिव से भावना न था मो देहर मैंने सब मतलब शुवा को भल लगे मुझे भाविली भगवान जदि यही मोर न हो पूरा तो मतलब स्टप करदेल तापर एसबीआई जो रिजल्ट बाहर मुझे देखिली पूरा ऑल ओवर इंडिया रे सबू स्टेट्रे मोर कटक क्लीयर होता अवश्य मोर परीक्षा भल होता सबुथर भी भल हुए कि पॉइंट पॉइंट कटि जाए निश्चित तो भगवान का आशीर्वाद अच्छी से देखले पिलाटा पारन तो होगला मत मानने मुझे चाकरी जॉइन कलापर भी आज्ञा 2020 मसीह 22-23 पर्यंत मो माइंड एवं भी मोर पेन अच्छे मुंडे मानने एबे भी पेन हुए गोटे साइड बहुत बिंधे एबे भी पेन रही ए घटना केते केबे घटिला 19 मसिया अगस्ट मास बहुत 2019 अगस्ट किंतु एपर्यंत मध्य से दर्ज जाइनी पेन अच्छी कहउचंती
मेडिसिन चली छि मेडिसिन एबे आज्ञा चलनी बंद हो लाणी किंतु मोर जो ए फुल्लाटा आ स्टीचटा शीत दिन हेले बहुत कष्ट हुए तो मु तथापि मैनेज करी चले आज दर्शन करी सालेने करियो जाउ जाउ करी सालेने दर्शन करी सर एबे आज बालेश्वर रिटर्न करिवे ना काली आउतरे से दर्शन ना आज मु पुरी रे रहिबे काली सकाळे घर के जिबे काली सकाळे घर पळेबे आउ दर्शन नाही एबे जाई की जो जागाटा पेन होची सीधा जाई के गरुड स्तंभ रे से जागाटा लगे दियोन हला मुंडियाटे मारी दियंतु को औषध पत्र तो सब बंद हो गलानी आ एति की काई टिके बाकी रखी छ प्रभु को दूरै दियो हला मोर अनेक किछ आगु को त आपन तो सब जानंती प्रभु आ मु कोन कहिबि किंतु एटा टिके दूरै दियो किछ से मने पडु न पडु खाली एति की मन रहबो जो जागाटा पेन होची ताकु नै के ई मथारे अरुण स्तंभ गरुड स्तंभ पखरे सीधा लगे दे कुंडेई गिरी मुंडियाटे मार दे सीधा सळ घर को फेरि जा देखियो आउ थरे आसीले कहबो मु कोन कहबे तिला मु आ जानिबि जय जगन्नाथ टिवी देखो आज्ञा सब बेले मु बैंक रु आसला परे यूट्यूब बाहर करके अनुभूति श्री जगन्नाथ देखे आ मोर मु लास्ट वर्ष भी आसती संध्या ये पचारली आज्ञा चल थिला से मते कहले पुलिस भाई की जाओ मु कहली काली सकाळे आसची आ आसी पारलिनी कहीं ना भगवान को आशीर्वाद न हेले भी एटा कहबाटा भी असंभव एक्चुअली जेती कहलेनी एते सुंदर अनुभूति वास्तव रे जो माने ये अनुभूति कार्यक्रम को हमरो देखुतिबे से माने अनुभव कर सारिबेनी जणे जे की किछि जानी परुनी आ से पुनी आज आमरी आगे ठिया है आज कई प्रकार से कहते जॉब क्षेत्र ये सब विभिन्न प्रकार अगणित जगन्नाथ प्रेमी मान को परिशेषर गोटे पदर कौन वार्ता देवा चाहिए मुझे यह कह चाहे जे आम जदि कहार भी कि अमंगल न कर सब भगवान को आम असुविधाटा को समर्पण करदे तार सल्यूशनटा भगवान आपे आपे आमको देदेवे आम कि बसिक टेनसन ना दरकार ना आम बास भगवान को समर्पित भावटा आणवा दरकार आमर बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वागत करिबा आउ जने भक्त जुब भक्त ना कौन शिवानी शंकर रथ ग्राम दिगी सलोपा जिला नवरंगपुर जिला नवरंगपुर शिवानी शंकर रथ है शिवानी आ बढ़िया ना दिबा हाउ बाबा कौन अनुभूति अछि को सर अनुभूति माने मु बाहाई के 2 वर्ष हला आइबा आउ तोला के कहितला तुम बा विधि विधान आप जन्म होती मैंने परिणत बयस आसे अठाई तीस जहाँ कि भगवान सारे भाई ना सार देखते भाई ना कौन परिणत बयस बर्तमान सिचुएशन देगला ब्राह्मण लोक एमती मन को मानते झील मिलूने मानते झील तुलन पुह मान संख्या अधिक से हिसाब से बयस तीसटा तेतीस भाई बाहा हम किसी टेनसन नहीं मानते आपण भगवान प्रार्थना कर डरी जो लगे ग्यारंटी बाहा हम शादी का लड्डू ऐसा जो खाया हो पछता जो नहीं खाए हो भी पछता अच्छा बर्तमान मत गोटे कथ कह 2 वर्ष है बाहर सर है केमी कौन चलती सब ना बाहर लाइफ तो बहुत भल चलती सर हाँ किंतु बाहा हला परे आमर गोटे आशा थिला कि माने मो वाइफ हम केमती जगन्नाथ पाखु जाई आम प्रार्थना करवा जगन्नाथ के दर्शन करके आसवा सेमती आम मनरे इच्छा थिला ए भितर आम सांगसाथी कि थरे दि थर आसीचु वाइफ आनी वाइफ किंतु वाइफ रोर गोटे अलग दर्शन करवा बोलिकी आ गए स्पेशल गोटे मन आम इच्छा वृत्ति थिला हेल्ले इतिम्य आम जो चेषा कर फुर्सत नहीं छुट्टी नहीं जी बोल कि छुट्टी सांसन होता है कि नेक्स्ट मोमेंट रे फोन पलि आसे कि हाँ ना तुम हाँ वाइफ आज धरिक दी वर्ष पर बाहर सांगसाथी धरी पलि आसे भाई मुझ तुम घर कली लगे मत कहनी आज गले निश्चित भाव देखु कहले बाहर पर आम दीज जा यारे सांगसाथी धरी दी थर पड़े आसिले वाइफ क्या आज मन पड़ी भाया घर संसार चेस्टा कर सांगसाथी आसमी चेषा कल होगा सांगसाथी सहित वाइफ को भी धरिक आसती वाइफ मान कौन स्त्री सहित वाइफ मान कौन कह अर्धांगिनी फुल फर्म कौन जान वाइफ रही कहीपर मुझे कह बड़ कथ नुह भाई विदाउट इनफर्मेसन फाइन एवरी टाइम है वाइफ आउ जदि कह विदाउट इनफर्मेसन फाइटिंग एवरी टाइम ना ना वाइफ मैंने फुल फर्म टा कह मो कथा बुझी पार ना फाइन इंस्ट्रूमेंट कहले आ फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट कहले वाइफ एंड नाइफ आपन जदि एमती भाव में ने जहाँ भी हो गोटे काकुड़ी छुरी रखिए कटिव किए से काकुड़ी कटिव
नाइफ वाइफ जहाँ करते तेरे कौन एथर अनुभूति को सर एमती मुझे चेस्टा कर वाइफ को नाक आसनी बोल कि मझे भी थे अद चेस्टा करी आउ थे मुझ वाइफ को लेकिन ब्रह्मपुर जाए आसती जस्ट ब्रह्मपुर मतलब फोन आसा कि दादा डेथ हो जाए तो रिटर्न हाँ बोल मुझे ब्रह्मपुर पुणे घर को रिटर्न होती एमती मुझे मो वाइफ को कौन भगवान को डरी लगे कि आम कौन एत पाप कर आमे जीवा चाहिए आमको एमती सुजोग मिलूनी तो मुझ मो वाइफ को कहीकि बुझे जे जगतर नाथ जगन्नाथ कोटी ओडियार मौन मुणी श्री जगन्नाथ तुम एति विश्वास रख के ना के आम जा दर्शन करवा दर्शन कलापर आम अनुभूति सेयार करवा आउ तुम जिते थर आम आसिक रिटर्न हो सेत थर जगन्नाथ को दर्शन करके आसवा तुम जहाँ तुम मनोवांचा अच्छे पूर्ण भगवान शीघ्र करेंगे बोले मुझे बुझे आज केवल दीज आस हाँ आज दीज आस सर आर वर्ष तीन जन आस हाँ भगवान को मनोवांचा रही आर वर्ष तीन जन आस दर्ष पर मन पड़ा कौन हाँ महाप्रभु आए महाप्रभु जिते बेले भी आसब महाप्रभु सदा बेलपाई सिंह दरवाजा कला से सदा बेले स्वागत से खाली एति की चाहती मो भक्त मोदे डाकुआ मो पाक आसू जय जगन्नाथ टी देख हाँ सर अफिस रु आसला बेलू बेले बेले माँ देखु था मु हाँ देखे बेले बेले देखे सर खाली जय जगन्नाथ चैनल को मुझे धन्यवाद देवी गोटे बढ़िया प्लाटफर्म जहाद्वारा कि सारा विश्वर लोक कर्णाटक गोटे मैडम कहते ताद्वारा आम मैंने कहार कौन अनुभूति अच्छे विभिन्न कर्णाटक कानपुर कानपुर हाँ सरी कानपुर आम घर बसिक आराम से आपंकर आलती हूँ विभिन्न जो अनुभूति आम जापर तेणुक स्पेशली जय जगन्नाथ चैनल को धन्यवाद देवी सर हाउ आपंकर वंडरफुल इनस्ट्रुमेंट फाइन एवरी टाइम हो रही था आउ बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ तेरे दर्शक बंधु समय है संध्या अनुभूति कार्यक्रम को आम आज ये सांग करवा हाँ कौन सब कार्यक्रम प्रसारण कर जानवा कार्यसूची मध्यम आपरे आमर प्राज्ञ विज्ञ प्रवाचक मानू शुणा कथा प्रवाह कार्यक्रम आउ ये अधम आपण मानू विदाय नवा पूर्व विनम्र नवेदन।